भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ एंड श्रमिक यूनियन। जी हां नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल भारत का भविष्य में। दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं कि आज ताज़ा खबर निकल कर सामने आ रहा है भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ एंड यूनियन की तरफ से। मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये हिंदी लैंग्वेज में नहीं है बल्कि कुछ अदर लैंग्वेज में है। आप लोगों को कमेंट करके बताना है नीचे कमेंट बॉक्स है कि ये किस लैंग्वेज में लिखा हुआ है, किस भाषा में ये छापा हुआ है, किस भाषा का ये अखबार है। मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि मैं इसे गूगल से ट्रांसलेट किया हूँ हिंदी में। आइए मैं उसे बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं BRMGSU यानी दोस्तों भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक यूनियन का राष्ट्रीय सम्मेलन 15 प्रांतों के प्रतिनिधित्व के साथ। मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ कि नई दिल्ली में इस बैठक को संपन्न किया गया। इंडियन रेलवे गुड्स वेयर हाउस वर्कर्स यूनियन BRMGSU द्वारा आयोजित अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन आज नई दिल्ली में मेट्रो व्यू में किया गया। BRMGSU अखिल भारतीय अध्यक्ष और ZRUCC सदस्य डॉक्टर परिमल कांति मंडल उपाध्यक्ष और DRUCC सदस्य श्री इंद्रशेखर चक्रवर्ती मुख्य अतिथि, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता श्री RR बाग, ZRUCC सदस्य श्री बलराम मलिक और 15 राज्यों के प्रतिनिधि। इस बैठक में परिमल बाबू यानी परिमल कांति मंडल ने माल गोदाम कर्मियों के शोषण और अभाव के खिलाफ लड़ाई में संघ की उपलब्धियों का वर्णन किया है, जैसे पीने का पानी, शौचालय, विश्राम कक्ष, बीमा, उचित कार्य वातावरण आदि। यानी परिमल कांति मंडल जी बहुत मतलब मजदूरों का क्या होता है कि भगवान साबित हुए हैं पिछले बार से लेकर अभी तक। मैं आपको बता दूं शौचालय, विश्राम कर, बीमा, उचित कार्य वातावरण आदि, न्यूनतम मजदूरी, पेंशन, PF आदि शुरू करने का वादा किया है। यानी सब कुछ वादा किए हैं, अपने बाजू से वादा किए हैं कि ये सब शुरू होगा भारतीय रेलवे मार्ग गोदाम श्रमिक यूनियन में। सभी यूनियनों के सदस्यों को ये सभी सुविधा मिलेगी। कामगारों को बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता श्री RR बाग ने संघ कार्यकर्ताओं को सभी प्रकार की कानूनी सहायता निःशुल्क करने का आश्वासन दिया। रेलवे के विभिन्न जोन में एक एक जोन प्रभारी का गठन किया जाता है। पूर्वी क्षेत्र में रंजीत मंडल, दक्षिण क्षेत्र में अरूप कैवर्त, मध्य क्षेत्र में नेसार अहमद, पूर्वी तट क्षेत्र में पंकज राहुत, उत्तर पूर्व सीमांत क्षेत्र में शंभु मंडल, पश्चिम मध्य क्षेत्र में राजेश सरकार, दक्षिण पूर्व क्षेत्र मध्य क्षेत्र में कुशाल नेरे, महाराष्ट्र पश्चिम क्षेत्र में मुसाबिन हक, मध्य क्षेत्र में दक्षिण कमल सरकार, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में अशोक, मैं आपको बता दूं रविरंजन, उत्तरी क्षेत्र में आशीष बावरी जी उपस्थित रहे। यानी बहुत सारे हमारे जो भी श्रमिक संघ के यूनियन के नेता हैं सब यहाँ पे उपस्थित रहे। और मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ कि भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक यूनियन एंड संघ यानी BRMGSU एंड BRMGSS की बात की जाए तो 2023 में उन लोगों का कल्याण होने वाला है। मनोरंजन कुमार सर जी की बात करूँ तो वो BRMGSS के हैं और अरुण कुमार सर जी ये सभी भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ के जो भी अध्यक्ष वगैरह उनको मतलब माना जाए वो सब कुछ सीनियर वगैरह हैं। लेकिन परिमल कांति मंडल जी की बात करूँ तो ये मसीहा हैं, लेकिन BRMGSU भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक यूनियन का मसीहा रहने वाले हैं, यूनियन का अध्यक्ष रहने वाले हैं। तो आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आप लोगों को काफ़ी सुविधा मिलेगी, जैसे बीमा, पीने का पानी, मतलब बहुत सारे यहाँ पर लिखा हुआ आप लोग पढ़ सकते हैं अगर आपको पढ़ना हो तो। शौचालय, विश्राम घर, मतलब वातावरण, उचित वातावरण, न्यूनतम मजदूरी, पेंशन, PF आदि सब कुछ शुरू हो जाने वाली का वादा किया है। यानी 2023 में आप सभी लोगों का ये वादा संपन्न होने वाला है। तो दोस्तों यही वीडियो था, वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।